नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। साल 2014 के बाद साल 2019 में मोदी के नाम की सुनामी चली और मोदी 2.0 सत्ता में आई और फिर मोदी सरकार ने काम की जो रफ्तार पकड़ी वो अभी तक थमी नहीं है। इस सरकार में सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो है रक्षा क्षेत्र में, जिसमें सबसे ज्यादा सहयोग दिया है इसरो ने। इसरो की मदद से सरकार ने इस साल रक्षा के क्षेत्र में कई नए आयाम तय किए और उन्हें पूरा भी कर दिखाया, जिसमें देश की सीमाओं की निगरानी, घुसपैठ, आपदा राहत में देश की मदद करना मुख्य रहा। 2019 में सरकार के एक मिशन पर इसरो ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। ये मिशन था इंडिया को सेफ बनाने का, मिशन सेफ इंडिया। इस साल सिर्फ और सिर्फ रक्षा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया और अभी 19 नवंबर को ही इसरो के चीफ के सिवन और एनएसए अजीत डोभाल की संसद परिसर में मुलाकात भी हुई। देश को सुरक्षित बनाने में इन दोनों ने इस साल एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस साल इसरो और देश के रक्षा विभाग ने मिलकर देश को सुरक्षित बनाने के लिए क्या क्या किया। माइक्रोसेट आर इस साल सबसे पहले 24 जनवरी 2019 को पीएसएलवी C-44 रॉकेट के जरिए माइक्रोसेट आर को लॉन्च किया गया था, जिसका काम है भारत की जमीन की तस्वीरें लेना। ये उपग्रह पृथ्वी से 274 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। एमीसेट, उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को पीएसएलवी C-45 रॉकेट से एमीसेट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसका काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और संचार को पकड़ना। 436 किलो का ये उपग्रह 748 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। रीसेट 2B, फिर उसके बाद रक्षा क्षेत्र पर काम करते हुए इसरो की तरफ से 2019 की जो तीसरी सैटेलाइट लॉन्च की गई वो थी रीसेट 2B, जिसे पीएसएलवी C-46 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो कि पृथ्वी से 557 किलोमीटर ऊपर भारत के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये कृषि, जंगल और आपदा प्रबंधन में मदद करती है, लेकिन इससे सेना को भी मदद दी जा सकती है। वीडियो में अभी तक उन उपग्रहों की बात की गई जो रक्षा के क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए लॉन्च किए जा चुके हैं, और अब आगे उन उपग्रहों की बात करते हैं जो आगे रक्षा क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए लॉन्च किए जाने हैं। कार्टोसेट 3 को 25 नवंबर 2019 को लॉन्च किया जाएगा। सुबह 9:28 पर पीएसएलवी C-47 एक्सेल रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया जाएगा और ये उपग्रह पृथ्वी से 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसमें लगा कैमरा दुनिया का सबसे ताकतवर कैमरा है, जो धरती पर शख्स के हाथ में बंधी घड़ी का समय भी बता सकता है। अभी लिस्ट लंबी है, खत्म नहीं हुई है। आगे GIZ-1 सैटेलाइट है, जिसे दिसंबर के अंत तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसके तहत 2 सैटेलाइट्स छोड़े जाएंगे जो भारत की सीमाओं की ही तस्वीरें लेंगे। इनमें से एक सैटेलाइट की उम्र होगी 10 साल, इसका वजन 2100 किलोग्राम होगा। इस सैटेलाइट को GSLV MK2 रॉकेट से लॉन्च किए जाने की संभावना है। ये पहला ऐसा रक्षा उपग्रह होगा जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एक ही जगह स्टेबल रहकर भारत की सीमाओं की निगरानी करेगा। फिर बारी आती है रीसेट 2BR-1 और रीसेट 2BR-2 की, जिनके भी दिसंबर में ही लॉन्च किए जाने की संभावना है। ये ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो सभी प्रकार के मौसम में पृथ्वी से तस्वीरें लेने में सक्षम होंगी, प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी जानकारियां देने में मदद करेगा। इसमें लगा कैमरा अंतरिक्ष से जमीन पर 3 फीट की ऊंचाई तक की साफ और सुंदर तस्वीरें ले सकता है। इससे जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी आपको बता दें कि इन सैटेलाइट्स को 26/11 हमले को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। तो इन सब सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के बाद कहा जा सकता है कि इसरो का ये साल पूरी तरह से रक्षा क्षेत्र को ही समर्पित रहा। इसरो ने भारत की सरकार के साथ मिलकर 2019 में इंडिया को सेफ बनाने के लिए काम किया, इतनी सभी रक्षा सैटेलाइट्स को लॉन्च करके। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इसरो का ये साल टू मेक सेफ इंडिया साल रहा।